नेक्स्ट टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, कि राजस्थान के कौन कौन से इम्पोर्टेंट दुर्ग हैं, उनसे अपन शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले नागौर। नागौर में सबसे पहले पढ़ेंगे नागौर का किला। हर दुर्ग के अगर कुछ अन्य उपनाम हैं तो वो भी मैं वही आपको साथ के साथ बताते हुए चलूंगी, क्योंकि एग्जाम में जो इन दुर्ग से क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आते हैं दो तीन तरीके के। पहला तरीका है कि उसके दूसरे उपनाम होते हैं, वो उपनाम देके पूछता है कि ये वाला दुर्ग जो है वो कौन से जिले में स्थित है, या ये उपनाम कौन से दुर्ग का है। या फिर दूसरा क्वेश्चन होता है कि उस दुर्ग से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कि किसी भी इतिहासकार ने उस दुर्ग के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल स्टेटमेंट दिया है, या फिर उस दुर्ग में कुछ स्पेशल काम हुआ है, या उस दुर्ग में कुछ स्पेशल छतरी महल मंदिर स्थित है, तो वो भी हमें ध्यान में रखने हैं। तो शुरुआत करते हैं नागौर का किला। जो नागौर का किला है इसके दूसरे नाम है नागौर दुर्ग या अहिछत्रपुर दुर्ग। ये सब नाम है किसके? नागौर के किले के। नागाना दुर्ग, नाग दुर्ग, अहिछत्रपुर दुर्ग, ये सब इसके नाम है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है इसके बारे में, 2007 में यूनेस्को द्वारा इस दुर्ग को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस कौन से दुर्ग को दिया गया? नागौर के किले को, नागौर दुर्ग को 2007 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से यूनेस्को के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं इस दुर्ग के बारे में, इम्पोर्टेंट बात है। इस नागौर के दुर्ग में 1570 ईस्वी में अकबर ने, बहुत इम्पोर्टेंट है ये स्टेटमेंट, अकबर ने नागौर दरबार लगाया किसकी सहायता से? भारमल की सहायता से। जब हम कछुआ वंश पढ़ेंगे आमेर के, उस टाइम पढ़ेंगे राजा भारमल के बारे में, तो इतना भी ध्यान रखना है ये कौन से वंश के हैं? ये कछुआ वंश के हैं। आमेर में जिस कछुआ वंश ने शासन किया था उस वंश से रिलेटेड है भारमल। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अन्य नाम है रागाना दुर्ग, नाग दुर्ग, अहिछत्रपुर दुर्ग। 2007 में यूनेस्को के द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से पुरस्कृत किया गया। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया। कहाँ लगा था नागौर दरबार? बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकबर ने नागौर दरबार लगाया कहाँ? नागौर के किले में। किसकी सहायता से? भारमल की सहायता से। अन्य एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में कि यहाँ पर इस दुर्ग में अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। किसकी है? अमर सिंह राठौड़ की छतरी। तो अमर सिंह राठौड़ की छतरी कौन से किले में है? नागौर के किले में है। नेक्स्ट सेकेंड है यहाँ पर खीमसर। नेक्स्ट है खीमसर का किला। तीसरा है मेड़ता का किला। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि मेड़ता का दुर्ग कहाँ है, खीमसर का दुर्ग कहाँ है, तो वो डायरेक्ट हमें ध्यान रखने का है नागौर में है। जो खीमसर का किला है उसको जागीरदारों के किलों का सिरमौर कहते हैं। क्या कहते हैं? जागीरदारों के किलों का सिरमौर कहते हैं। किसको? खीमसर के किले को। मेड़ता के किले के बारे में हमें सिर्फ इतना याद रखना है, इसको मालकोट के नाम से भी जानते हैं या फिर मेड़तपुर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नागौर के हमने तीनों पढ़े। नागौर का किला जो इन तीनों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने चार पॉइंट बताए वो रटने हैं। नागाना दुर्ग, नाग दुर्ग, अहिछत्रपुर, यूनेस्को के द्वारा
2007 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया। 1570 में अकबर ने इसी नागौर के किले में नागौर दरबार लगाया भारमल की सहायता से। अमर सिंह राठौड़ की छतरी इसी किले में है। जब हम दुर्ग पढ़ रहे हैं तो पर्टिकुलर उस दुर्ग में स्थित महल भी देखेंगे, छतरियां भी देखेंगे, तो हमारे बहुत सारे टॉपिक यहाँ कवर भी होते चलेंगे। जब हम छतरी पढ़ेंगे दोबारा देखेंगे वहां कि अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ है, नागौर में। खींवसर का जो किला है उसको दूसरा नाम दिया गया कि जागीरदारों के किलों का सिरमौर कहते हैं। मेड़ता के किले को कहा गया मालकोट और मेड़तपुर दुर्ग। नेक्स्ट बात करते हैं चूरू। चूरू तो चूरू में पढ़ेंगे चूरू का किला। चूरू का किला, इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात है, सिर्फ वही ध्यान रखनी है कि यहाँ के जो ठाकुर थे, यहाँ पर जो शासक कर रहे थे ठाकुर, उन्होंने अपनी रक्षा हेतु, इन्होंने अपनी रक्षा हेतु चांदी के गोले दागे, रक्षा हेतु चांदी के गोले दागे थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से किले से चांदी के गोले दागे गए, तो चूरू का किला है वो चांदी के गोलों वाली जो कहानी है उससे लिंक करता है। कौन सा? चूरू का किला। यहाँ के ठाकुरों ने बीकानेर के शासकों के साथ इनका युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में इनके पास क्या थे, बारूद वगैरह फिनिश हो गया था, तो इन्होंने क्या किया था, चांदी को यूज किया था गोले बनाने के लिए, तो इन्होंने क्या किया था, चांदी के गोले दागे थे दुश्मनों पे अपनी रक्षा के लिए। इसके अलावा यहाँ एक किला और है जिसका सिर्फ नाम ही याद रखना है, बिना देनसर का किला, बिना देनसर का किला। नेक्स्ट है बिना देनसर का किला, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। ये चूरू के दो किले पढ़ लिए, चूरू का किला जिसके रिगार्डिंग एक ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ठाकुरों ने अपनी रक्षा हेतु चांदी के गोले दागे, दूसरा किला है बिना देनसर का किला। नेक्स्ट हम बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर में एक ही ध्यान रखना है, वो है सज्जनगढ़ किला। सज्जनगढ़ किला, इस किले को उदयपुर की मुकुटमणि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदयपुर की मुकुटमणि। इस किले को उदयपुर की मुकुटमणि कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ है, हमें पता है सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर में। सज्जनगढ़ अभयारण्य भी कहाँ है, उदयपुर में, जो सबसे छोटा अभयारण्य है। जब अभयारण्य पढ़े थे तो हमने पढ़ा था, तो यहाँ से अपने आप ही याद नहीं हुआ कि भाई सज्जनगढ़ कहाँ पर है, उदयपुर में है। क्यों? क्योंकि सज्जनगढ़ अभयारण्य अगर हमने ध्यान से पढ़ा था तो वहां हमने पढ़ा था सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर में है। अब यहाँ पर हमने दुर्ग पढ़ लिया कि सज्जनगढ़ दुर्ग या सज्जनगढ़ किला कहाँ पर है, उदयपुर में है, जिसको उदयपुर की मुकुटमणि कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोटा की। तो कोटा में जो है वो है कोटा दुर्ग। कौन सा है? कोटा दुर्ग। कोटा दुर्ग, इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कि कोटा दुर्ग का है। किसने कहा था? जेम्स टोड ने कहा था। टोड ने कहा था आगरा के किले को, आगरा के किले को छोड़कर किसी भी दुर्ग का, आगरा के किले को छोड़कर किसी भी दुर्ग का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कि कोटा दुर्ग का है। तो सबसे बड़ा परकोटा कौन से दुर्ग का बताया गया है? कोटा दुर्ग का। क्या बोला गया है कि आगरा के किले को छोड़कर किसी भी दुर्ग का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कि कोटा दुर्ग का है। यहाँ पर क्या है? झाला हवेली स्थित है। इसी दुर्ग में क्या स्थित है? झाला हवेली स्थित है। कोटा दुर्ग में क्या स्थित है? झाला हवेली स्थित है। एक स्टेटमेंट बताया, दूसरा झाला हवेली बताई। तो दो पॉइंट बताए कोटा दुर्ग के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, आगरा के किले को छोड़कर परकोटा सबसे बड़ा जो बताया गया वो कोटा दुर्ग का बताया गया। यहाँ पर इसी दुर्ग में झाला हवेली स्थित है। तो ये कुछ दुर्ग पढ़े, इनको रिकॉर्ड करते हैं, फिर आगे चलते हैं। नागौर में याद रखने हैं नागौर का किला, खींवसर का किला, मेड़ता का किला।
नागौर के किले के लिए इम्पोर्टेंट है 4 पॉइंट, उसके नाम नागाणा दुर्ग, नाग दुर्ग, अहि छत्रपुर दुर्ग। दूसरा पॉइंट कि इसको यूनेस्को के द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सलेंस दिया गया। थर्ड पॉइंट, अकबर ने इसी नागौर के किले में नागौर दरबार लगाया फार्मर की सहायता से। नेक्स्ट पॉइंट कि इसी किले में क्या है, अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। खेमसर के किले को जागीरदारों के किलों का सिरमौर कहा गया। मेड़ता का किला मालकोट और मेड़तपुर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। चूरू में दो याद रखने हैं, चूरू का किला और बिना देनसर का किला। चूरू का किला, एक पॉइंट याद रखना है कि इसमें क्या था, ठाकुरों ने दुश्मनों से अपनी रक्षा करने के लिए वहां चांदी के गोले दागे थे। नेक्स्ट, उदयपुर में सिर्फ एक दुर्ग का नाम याद रखना है, वो है सज्जनगढ़ का दुर्ग, इसको उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। कोटा दुर्ग के बारे में दो पॉइंट है। पहला पॉइंट, कर्नल जेम्स रोड ने कहा कि इस दुर्ग का परकोटा काफी बड़ा है, तो परकोटे की बात आए तो कोटा दुर्ग टिक करना है डायरेक्ट। दूसरी बात, क्योंकि परकोटा में खुद कोटा आ रहा है तो परकोटा नाम आते ही हमें याद रखना है कौन सा दुर्ग, कोटा दुर्ग। दूसरा, यहाँ क्या है, कोटा दुर्ग में क्या झाला हवेली भी स्थित है। आगे देखते हैं अलवर, अलवर में स्थित दुर्ग देखते हैं। अलवर, अलवर में सबसे पहले देखेंगे बाला किला। अलवर, अलवर, अलवर में सबसे पहले देखेंगे बाला किला। अलवर, अलवर में क्या स्थित है, बाला किला, जिसको बड़ा किला, जिसको अन्य नाम से जाना जाता है बड़ा किला, या फिर अलवर का किला, या फिर बावनगढ़ का किला। तीन नाम है, बड़ा किला, अलवर का किला या बावनगढ़ का किला, ये सब बाला किला के नाम है। नेक्स्ट, इसको बावनगढ़ का लाडला किला कहते हैं, बावनगढ़ का लाडला किला, बावनगढ़ का लाडला किला किसको बोलते हैं, बाला किला को बावनगढ़ का लाडला किला भी कहते हैं। आगे देखते हैं, इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस किले में जहांगीर को नजरबंद किया गया था। किसको किया गया था, जहांगीर को नजरबंद किया गया था, कौन से किले में, बाला किले में। तो इस किले के बारे में दो ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट देखते हैं कांकनवाड़ी का किला। नेक्स्ट है कांकनवाड़ी का किला। इस किले में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद किया था। औरंगजेब के भाई का नाम था दारा शिकोह, तो औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को इस कांकनवाड़ी के किले में कैद किया था। कांकनवाड़ी का किला कहाँ है, अलवर में है, और यहाँ पे दारा शिकोह को कैद किया गया था। थर्ड है निमराणा दुर्ग। हमें पता है निमराणा जगह जो है वो अलवर में है, तो निमराणा दुर्ग कहाँ होगा, अलवर में। नेक्स्ट अजबगढ़, निमराणा दुर्ग, नेक्स्ट अजबगढ़ और भानगढ़। तो ये सब कहाँ स्थित है, अलवर में स्थित है। तो हमें सिर्फ इनके तो नाम याद रखने, अजबगढ़, भानगढ़, निमराणा दुर्ग। कांकनवाड़ी का किला कहाँ है, अलवर में, जहां पर औरंगजेब ने अपने भाई दादा शिकोह को कैद किया था। बाला किला या बड़ा किला, अलवर का किला, बावनगढ़ का लाडला किला, जहां पर जहांगीर को नजरबंद किया गया था। तो ये सारे जो चार दुर्ग हैं वो है अलवर के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दौसा की। तो दौसा में जो दुर्ग है वो है दौसा का दुर्ग या दौसा का किला, दौसा का दुर्ग या दौसा का किला। इसके बारे में इम्पोर्टेंट है कि जो दौसा है या किला है, ये कछवाहा जो शासक थे उनकी प्रारंभिक राजधानी था।
क्या था, प्रारंभिक राजधानी। तो बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, और कुछ नहीं है कि ये कछवा शासकों की प्रारंभिक राजधानी था जो दोशा का किला है। नेक्स्ट बात करते हैं सिरोही की, इसकी बात करते हैं सिरोही की, जहां सबसे पहले बात करेंगे बसंतगढ़ दुर्ग की, नेक्स्ट बात करेंगे अचलगढ़ दुर्ग की। तो अचलगढ़ दुर्ग के बारे में, अचलगढ़ की पहाड़ी हम पढ़ी है हमने पहले, जब पहाड़ियां पढ़ी थी रामली की तब। बसंतगढ़ की जो पहाड़ी है इसका निर्माण करवाया था, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, बसंतगढ़ के दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था राणा कुंभा ने। किसने करवाया? कुंभा ने। नेक्स्ट बात करते हैं अचलगढ़ दुर्ग, या जिसको हम दूसरा नाम देते हैं अवर्द दुर्ग, जो कौन से झील के किनारे स्थित है? मंदाकिनी झील के किनारे स्थित है। मंदाकिनी झील के किनारे स्थित है अचलगढ़ दुर्ग या अवरुद्ध दुर्ग। इसका निर्माण तो परमारों ने करवाया था, पर इसका जो पुनर्निर्माण था वो किसने करवाया था? कुंभा ने। तो इसके लिए भी हमें कुंभा याद रखना है, करवाया पुनर्निर्माण था, लेकिन याद रखना है कि कुंभा से बसंतगढ़ और अचलगढ़ दुर्ग दोनों रिलेटेड है। नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है कि इसी अचलगढ़ दुर्ग में क्या है, सावन भादो झील स्थित है। सावन भादो झील कौन से दुर्ग में स्थित है? अचलगढ़ दुर्ग में। कल जब अपन बीकानेर में लोकदेवियों में करणी माता पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था वहां पर क्या है करणी माता, बीकानेर में सावन भादो कढ़ाइयां है, जबकि सावन भादो झील कहां स्थित है? अचलगढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है? अचलगढ़ में। वहीं पूछा जाए, यहीं पे ही लिखते हैं कि सावन भादो महल कहां स्थित है, सावन भादो झील सिरोही, सावन भादो महल डींग भरतपुर, भरतपुर झील सिरोही, महल डींग भरतपुर, और सावन भादो नहर कहां स्थित है? तो सावन भादो नहर कहां है? कोटा में। कहां है? कोटा में। तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है, झील में, महल में, नहर में, और कढ़ाई कहां स्थित है? कढ़ाइयां है करणी माता के महल में। इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, अचलगढ़ दुर्ग में ओखी रानी का महल है। ओखी रानी का महल कहां है? सिरोही में। ओखी रानी में, अचलगढ़ दुर्ग में ओखी रानी का महल है। तो ये किसके बारे में पढ़ा? सिरोही के बारे में। सिरोही में बसंतगढ़ और अचलगढ़ दोनों का निर्माण किसने करवाया है? महाराणा कुंभा ने करवाया है। जो अचलगढ़ दुर्ग है उसका दूसरा नाम है अवर्द दुर्ग, जो कि मंदाकिनी झील के किनारे स्थित है। इसी अचलगढ़ दुर्ग में सावन भादो झील है। सावन भादो से रिलेटेड दो तीन पॉइंट है कि सावन भादो महल है डींग भरतपुर में, सावन भादो नहर है कोटा में, सावन भादो कढ़ाइयां है करणी माता बीकानेर। नेक्स्ट बताया अचलगढ़ दुर्ग में ही ओखी रानी का महल स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भीलवाड़ा की, नेक्स्ट बात करते हैं भीलवाड़ा की, जहां पढ़ेंगे मांडलगढ़ दुर्ग। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि मांडलगढ़ दुर्ग कहां स्थित है, तो मांडलगढ़ दुर्ग जो स्थित है वो कहां स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। इसका भी जो पुनर्निर्माण करवाया था वो कुंभा ने ही करवाया था। कुंभा ने क्या करवाया था? इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, तो सिर्फ इतना याद रखना है इसके बारे में कि मांडलगढ़ दुर्ग कहां है? भीलवाड़ा में है। तो एक चीज मैं बता देती हूँ आपको, आगे थोड़ा चल लेंगे तो हम पढ़ेंगे साका। तो साका का मतलब क्या होता है? साका का क्या होता है? दो वर्ड है, जोहर और केसरिया। जोहर और केसरिया। तो सबसे पहले बताती हूँ केसरिया क्या होता है। जब पुरुषों के द्वारा केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को अगर वो प्राप्त हो जाते हैं तो वो कहलाता है केसरिया। जब पुरुषों द्वारा केसरिया वस्त्र धारण करके और युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु हो जाती है वो होता है केसरिया। जोहर है महिलाओं द्वारा अग्नि या जल में कूदकर, महिलाओं के द्वारा अग्नि या जल में कूदकर जान देना, अपने प्राणों को त्याग देना, वो है जोहर। जब ये दोनों चीजें एक साथ होती है तो वो ही कहलाता है साका। साका में क्या क्या होगा? जोहर और केसरिया दोनों साथ में होंगे। जोहर किया जाता है महिलाओं के द्वारा और केसरिया पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो दोनों चीजें जब एक साथ होंगी तो वो होगा साका। तो अलग अलग दुर्गों में बता देती हूँ,
चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने साके हुए हैं? तो यहीं पे लिख लेते हैं, सबसे ज्यादा है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने साके हुए हैं? तीन। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने साके हैं? तीन। जैसलमेर में ढाई। ढाई मतलब दो तो कंप्लीट हो गए, ठीक है, जिसमें जौहर और केसरिया दोनों हुए। आधे का मतलब जिसमें सिर्फ केसरिया हुआ और जौहर नहीं हुआ। तो चित्तौड़गढ़ में तीन साके, जैसलमेर में ढाई। गागरोन का दुर्ग जब अपन पढ़ेंगे अभी, आगे देखेंगे गागरोन के दुर्ग में, गागरोन और शिवाना का जो दुर्ग है, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तीन, जैसलमेर दुर्ग में ढाई, गागरोन और शिवाना का जो दुर्ग है उसमें दो दो साके हुए हैं। नेक्स्ट जो है वो है रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर और जालौर दुर्ग एक साथ, इनको पहले ही लिख लो क्योंकि अलग अलग लिखेंगे तो भूल जाएंगे, एक साथ लिख लेते हैं। इनमें हुआ है एक एक साका, तो इनको रिकॉल करते हैं, फिर आगे देखते हैं। अलवर में हमने पढ़ा बाला किला, काकनवाड़िया किला, निमराणा दुर्ग और अजबगढ़ और भानगढ़। बाला किला के बारे में पढ़े, उसका दूसरा नाम है बड़ा किला, अलवर का किला या बावनगढ़ का लाडला किला। इस किले में जहांगीर को नजरबंद किया गया था, जबकि जो कांकनवाड़ी का किला है वहां पर औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद किया। नेक्स्ट है अलवर में तीन नंबर पे निमराणा का दुर्ग, चार पे है अजबगढ़ और भानगढ़। दौसा में दौसा का किला है। सिर्फ एक ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है, वो है कि यह कछवा शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी। सिरोही में दो, बसंतगढ़ और अचलगढ़, दोनों का निर्माण कुंभा के द्वारा। अचलगढ़ का नाम आबरूद दुर्ग, अचलगढ़ में सावन भादो झील स्थित है, अचलगढ़ में ही हॉकी रानी का महल स्थित है। सावन भादो कढ़ाइया जो है वो है करणी माता के मंदिर में बीकानेर, सावन भादो नहर है कोटा, सावन भादो महल जो है वो है डीग भरतपुर में। भीलवाड़ा में सिर्फ याद रखना है माडलगढ़ दुर्ग, कुंभा के द्वारा पुनर्निर्माण किया गया। नेक्स्ट हमने बात की साको की, तो चित्तौड़गढ़ में तीन साके हुए हैं, जैसलमेर में ढाई, गागरोन और शिवाना के दुर्ग में दो, रणथंभौर और जालौर के दुर्ग में एक एक साके हुए हैं। आगे देखते हैं, अब हमने शुरुआत करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग से। चित्तौड़गढ़ में पढ़ेंगे सबसे पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग, नेक्स्ट पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो कहां स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो स्थित है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में दो दुर्ग पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है जो भी पढ़ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिसे पढ़ रहे हैं सबसे पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और एक पढ़ेंगे भैंसरोड़गढ़ दुर्ग। हम भैंसरोड़गढ़ नाम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम चंबल नदी पढ़ रहे थे उसमें पढ़ा है हमने भैंसरोड़गढ़ नाम। तो ऐसे करके बहुत सारे नाम है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें सबसे पहले, ठीक है, इस दुर्ग के नाम देखते हैं, इस दुर्ग के क्या क्या नाम है। इस दुर्ग को बोला जाता है, सबसे पहला इसका नाम है चित्रकूट दुर्ग, सबसे पहला इसका नाम है। अन्य नाम पढ़ते हैं इस दुर्ग के, सबसे पहला नाम है इस दुर्ग का चित्रकूट दुर्ग। नेक्स्ट दुर्गों का सिरमौर या किलों का सिरमौर, जमींदार के किलों का सिरमौर जो बोला गया था, वो बोला गया था खींवसर के किले को जो स्थित है नागौर में, दुर्गों का या किलों का सिरमौर। इसको बोलते हैं राजस्थान का गौरव, क्या बोलते हैं? राजस्थान का गौरव। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट देते हैं, इसको राजस्थान का गौरव बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बोलते हैं गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया, इसके लिए एक स्टेटमेंट दिया जाता है वो ये है गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया। ये स्टेटमेंट किसके लिए है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए है, या फिर इसको एक नाम और देते हैं, वो है राजस्थान का दक्षिण में प्रवेश द्वार। कौन सा है दक्षिण में राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा है? वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का दक्षिण में प्रवेश द्वार कौन है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। स्टेटमेंट है गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया। इसका जो निर्माण है वो किया गया किसके द्वारा? चित्रांगद मौर्य के द्वारा। इस दुर्ग का जो निर्माण किया गया किसके द्वारा?
चित्रांगद मौर्य के द्वारा किया गया। इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता, इसके निर्माता तो कौन है? चित्रांगद मौर्य। जबकि इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसको कहा जाता है? इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को कहा जाता है। इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को कहा जाता है। इसमें कितने साके हुए हैं? 3 साके हुए, जो मैं बता चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट चलते हैं इसमें। इस दुर्ग में क्या क्या इंपोर्टेंट मंदिर है, छतरी है, वो सब देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है? कालिका माता का मंदिर है, तुलजा भवानी, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले भी। कालिका माता, ये सब फिर से देख लेते हैं। इस दुर्ग में क्या है? कालिका माता का मंदिर है, जो सूर्य मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है? तुलजा भवानी का मंदिर है। किसका मंदिर है? तुलजा भवानी मंदिर है। कालिका माता का मंदिर है, तुलजा भवानी मंदिर है। नेक्स्ट इसमें क्या है? यहाँ पे छतरी किस किस की है वो देख लेते हैं। यहाँ पे छतरी है रैदास और कल्ला राठौड़ जी की। रैदास व कल्ला राठौड़, ये दोनों नाम हम पढ़ चुके हैं, तो मैं रिकॉल करवा देती हूँ आप लोगों को कहाँ पढ़े थे। जब हम लोग देवता पढ़ रहे थे तो हमने कल्ला राठौड़ जी के बारे में पढ़ा था, और मैंने बताया था इनके बारे में कि इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, और इनकी ये जो है मीरा के भाई के बेटे हैं। रैदास जब हमने पढ़े थे वो थे मीरा भाई के जो गुरु थे, उनका नाम था रैदास। तो मैंने क्या बताया? रैदास और कल्ला राठौड़ जी की छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इन दोनों की छतरी स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? मोहन मगरी और नवलखा महल है। यहाँ पर क्या है? नवलखा महल स्थित है। इसी दुर्ग में नवलखा महल, श्रृंगार चवरी, नवलखा महल, श्रृंगार चवरी। नवलखा जो महल है वो क्या है? वो मीराबाई का। नवलखा महल कौन सी जगह है जहां मीराबाई साधना करती थी? तो ये क्या है? मीराबाई का साधना स्थल। नवलखा महल क्या है? मीराबाई की साधना स्थल, चौमुखा कुंड। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ इसके बारे में जो मैंने बता दिए। कालका माता मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, नवलखा महल, श्रृंगार चवरी और चौमुखा कुंड। नेक्स्ट ये इसके बारे में इतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, सबसे ज्यादा इसी के बारे में ध्यान रखना है। क्या क्या? दुर्ग के नाम क्या क्या है, निर्माता कौन है, पुनर्निर्माता कौन है, यहाँ किस किस की छतरी है, कौन कौन से मंदिर है, कौन कौन से महल है। नेक्स्ट बात करते हैं विजय स्तंभ की। नेक्स्ट विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही स्थित है विजय स्तंभ। इसका जो निर्माण किया गया था, इसके अन्य नाम है कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ को बोलते हैं कीर्ति स्तंभ, ठीक है। विजय स्तंभ को बोला गया कीर्ति स्तंभ, ठीक है। अन्य इसके नाम है विष्णु ध्वज, अन्य नाम है इसके विष्णु ध्वज। नेक्स्ट मूर्तियों का अजायब घर, अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर, विष्णु ध्वज, कीर्ति स्तंभ, ये सब इसके नाम है। नेक्स्ट एक नाम है, एक और बच गया, और बता देती हूँ, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, ये सब नाम है किसके? विजय स्तंभ के। कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, ये सब इसके नाम है। इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। इसका निर्माण किसने किया था? कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। किसने करवाया? कुंभा ने था इसका निर्माण करवाया। ये क्या है? 9 मंजिला और इसकी हाइट है 120 फुट। कितना मंजिला है? 9 मंजिला है, हाइट है 120 फुट। कर्नल जेम्सटोन ने इसके बारे में कहा है कि यह कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है। ये राजस्थान की प्रथम इमारत है, पहली बार इसको टोड ने इनके बारे में बोला कि यह कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि कौन सी इमारत को कुतुब मीनार से कंपेयर किया टोड ने,
तो विजय स्तंभ को। तो टोड ने कहा ये कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है। कौन सी है बेहतरीन इमारत? उसका नाम है विजय स्तंभ। कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत का नाम है विजय स्तंभ। नेक्स्ट, यह राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। ये क्वेश्चन ऐसे आए एग्जाम में कि प्रथम लोक देवता जिस पर डाक टिकट जारी किया गया तो वो है देव नारायण जी, जो हमने कल पढ़ा था। विजय स्तंभ के बारे में पढ़ रहे हैं कि राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर क्या हुआ, डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट, जो विजय स्तंभ है वो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट बात करते हैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट दुर्ग है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, विजय स्तंभ, नेक्स्ट है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग को, बस एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको दुर्ग को बोलते हैं राजस्थान का वेल्लोर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान का वेल्लोर नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है। तो राजस्थान का वेल्लोर नाम से जाने जाने वाला जो दुर्ग है वो है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है, बाकी दुर्गों का निर्माण शासकों के द्वारा या जमींदारों के द्वारा किया गया, जबकि भैंसरोड़ दुर्ग का निर्माण व्यापारियों के द्वारा किया गया। तो ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो व्यापारी निर्मित है, जिसका निर्माण व्यापारियों के द्वारा किया गया। तो ये चित्तौड़ का टॉपिक हुआ कम्प्लीट, इसको फटाफट रिकॉल करते हैं। सबसे पहले पढ़ा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसको चित्रकूट दुर्ग, दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का दक्षिण में प्रवेश द्वार नाम से जाना जाता है। इसके बारे में एक कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया। इसका जो निर्माता है वो है चित्रांगद मौर्य, जबकि इसका आधुनिक निर्माता जाना जाता है कुंभा को। इस मंदिर में दो छतरी है, किसकी, रैदास जी की और कल्ला राठौड़ जी की। इस दुर्ग में कालिका माता का मंदिर है, तुलजा भवानी मंदिर है, नवलखा महल है। नवलखा महल वो जगह है जहां पर मीरा भाई अपनी साधना करती थी। श्रृंगार चौरी, चौमुखा कुंड। नेक्स्ट पढ़ा अपन ने विजय स्तंभ, जिसको कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने करवाया था। ये 9 मंजिला इमारत है जिसकी हाइट 120 फुट है। कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ की जो तुलना की वो कुतुब मीनार से की। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। एकमात्र दुर्ग है जो व्यापारी निर्मित दुर्ग है।